हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफलाइन विद सिल्वी। और आज हम बनाएंगे लच्छा परांठा, जो कि मेरा कंटिन्यूड सीरीज है फ्रॉम द दाल मखनी। आप दाल मखनी की रेसिपी पिछली वीडियो में देख सकते हैं फ्रॉम अ लिंक गिवन बिलो। फ्रेंड्स, आपने लच्छा परांठा तो बहुत दफा खाया होगा रेस्टोरेंट्स में और भी जगह, लेकिन ये है कि उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग होता है, मैदा वगैरह। और आपको पता है मैदे को पचाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है एंड इट्स नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। मतलब जितना कम हो सके हमें मैदे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आज आपको लच्छा परांठा बनाना सिखाऊंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ बनेगा आटे के साथ। तो चलिए बनाते हैं हम लच्छा परांठा, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं सादा आटा गूंदा हुआ, व्हीट फ्लावर, देसी घी, बटर, ऑयल और साथ में धूड़ा। धूड़ा किसे बोलते हैं? हमारा जो सा व्हीट फ्लावर है सूखा हुआ, बिना गूंदा हुआ। तो आइए बनाते हैं अपना लच्छा परांठा। लच्छा परांठा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम आटा लेंगे। ये देखिए, पेड़ा हमें लेना है अपना रोटी से बड़ा, और इसे हमने बड़े से बड़ा साइज देना है। मतलब अभी हमें बेल के जितना ये बड़ा हो सके उतना हमें इसको बड़ा करना है। सबसे पहले हमने अपने परांठे को जो है उसको ग्रीस करना है देसी घी के साथ। करने के बाद हमें इसे स्प्रिंकल कर देना है धूड़े के साथ अच्छे से। इसको हिलाना नहीं है, टच नहीं करना है। Now what we'll do, is इसको ऐसे स्ट्रेच किया, टच करेंगे जैसे हम पेपर फोल्ड करते हैं, हम इसको आगे फोल्ड करते जाएंगे स्ट्रेच करते हुए। अभी नीटनेस की कोई बात नहीं है क्योंकि इसके बाद भी हमें लच्छे ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर पकड़ के हमें इसे रोटेट करते जाना है जस्ट लाइक दैट। फिर हमें नीचे से इसको सील करके सारा का सारा हमें सील कर देना है। बस इसे देखिए, हमने सील कर दिया है अच्छे से। अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए, ये तवा गर्म हो गया है, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। इसे तेज सेक पे पकाना है हमें, जब तक कि ये थोड़ा सा हो नहीं जाता है हम इसे पलटेंगे नहीं। साइड पे हम हल्का सा देख लेंगे, देखिए जब तक हल्का सा हमें दिखता है कि कलर चेंज हुआ तब हम इसका साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ये हल्का कलर चेंज होने लगा है तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और हम अब इसे दूसरी साइड पे कलर चेंज करने तक पकाएंगे, चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम फिर से पलटेंगे और अब हम इसे ऑयल लगा के फ्राई करेंगे। ये आप बिना ऑयल किए भी बना सकते हैं, बट इसका मज़ा वो नहीं आएगा। बट आप चाहें तो इसे गैस पे सेक के और ऊपर से देसी घी वगैरह लगा के भी बना सकते हैं। और हम दोनों तरफ से इसको क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। आप सोच रहे होंगे इसके लच्छे तो बने नहीं, वेट कीजिए थोड़ी देर इसके लिए। ये देखिए, अब हमारा ये परांठा तैयार है। अभी हम इसको उतार देंगे गैस से। अब क्या करना है, प्लीज इसे गरम गरम ही सर्व कीजिए। एक नैपकिन लीजिए हाथ में, साफ नैपकिन में आप इस परांठे को डालेंगे, ऊपर से डालेंगे देसी घी, इसे देसी घी लगाकर ऐसे पी देखिए, ऐसे कर देंगे, ऐसे रोटेट करके इसकी सारी लेयरिंग बाहर आने लग जाएगी। ये देखिए अपना परांठा बहुत ही क्रिस्पी। और फिर इसे आप सर्व कर सकते हैं बटर के साथ, अपनी मनपसंद दाल दाल सब्जी करी के साथ। ये लीजिए, तैयार है हमारा लच्छा परांठा। आप सर्व कर सकते हैं दाल के साथ, यहाँ पे मैंने दाल के साथ सर्व की है। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सेलेंट रिस्पॉन्स। ये दाल मैंने दाल मखनी अपनी पिछली वीडियो में बताई थी, उसे आप सर्व कर सकते हैं अपने मनपसंद के प्याज बटर वगैरह के साथ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रॉम आपकी दोस्त।